अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डिजर्ट किचन। आज हमारे किचन में बन रही है जबरदस्त सी मिठाई जो सबकी फेवरेट होती है, गुलाब जामुन। और हम आपको गुलाब जामुन बनाना सिखाएंगे सबसे आसान तरीके से, और टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, दैट्स माय प्रॉमिस। वैसे एक बात सोचने की गाइस, जितनी भी यमी चीजें होती है उसमें इतनी कैलोरीज की होती है, तो गुलाब जामुन खा के आपको ज्यादा भागना पड़ेगा, बट खाना तो जरूरी है। तो चलिए इंग्रेडिएंट क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया जो प्री मिक्स आते हैं गुलाब जामुन की, उसका एक पैकेट ले लिया हाफ केजी का, ठीक है, कोई भी ब्रांड का आप ले लीजिए। और हमें चाहिए 1 कप मिल्क, इसको डो बनाने के लिए हमें 1 कप मिल्क चाहिए। मावा चाहिए हमें, घर का बना हुआ मावा ले लीजिएगा आप, ये 1250 ग्राम है, यानी 1 पाव के करीब। पाउडर्ड शुगर चाहिए हमें 4 टेबल स्पून, और अगर आप पसंद करते हैं ड्राई फ्रूट तो आप ड्राई फ्रूट डालें। मुझे गुलाब जामुन ड्राई फ्रूट बिल्कुल पसंद नहीं है, इसी स्टेज पे आप मावे में पिसी हुई चीनी, ड्राई फ्रूट और इलायची पाउडर डालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये मावे में ये पाउडर्ड शुगर डालते हैं, इससे क्या होगा कि हमारे गुलाब जामुन में बीच में बहुत अच्छा सा गैप बन जाएगा, और जो शुगर है वो शीरा बना देंगे। तो जिससे बाजार की गुलाब जामुन नहीं होती है बीच में थोड़ा सा हॉलो, हमारी गुलाब जामुन बिल्कुल ऐसी बनेगी। और ये देखिए, इलायची पाउडर हमने मोटे पैसे में पीस के रखा हुआ था, वो हम इसमें डाल देंगे। और हम इस खोए शुगर पाउडर और सब कुछ को फोक लेके अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि सब बिल्कुल एक जान हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप, और ये हमारे गुलाब जामुन की जान है, जो हमारे गुलाब जामुन को प्रीमिक्स से एक लेवल ऊपर ले जाएगी। हमारा खोया और पाउडर शुगर अच्छे से मिक्स हो गई आपस में। अब हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं कि चीनी ले लेते हैं। देखिए 1 केजी शुगर चाहिए, शुगर में बिल्कुल कंजूसी मत करिए, क्योंकि शीरा पूरा होना चाहिए गुलाब जामुन में, अदरवाइज आपकी गुलाब जामुन अच्छी नहीं बनेगी। तो आप क्या करिए, इलायची में 2-3 इलायची खोल के डाल दीजिएगा, ताकि शीरे में गुलाब जामुन में आपके फ्लेवर आ जाए इलायची का। अगर आपको केसर पसंद है तो आप इस टाइम जाफरान पे भी डाल सकते हैं इसमें। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी, अच्छे शक्कर में पानी कितना डालें, जितनी जिस मेजरिंग कप से आप शक्कर ले रहे हैं उसी मेजरिंग कप से आप इसमें पानी डालेगा, इक्वल क्वांटिटी में जाएगा, क्योंकि हमें एक गाढ़ी सी चाशनी चाहिए, इसे बहुत पकाना वकाना नहीं है, बस हमें चिपचिपी सी गाढ़ी सी चाशनी चाहिए जो थोड़ा स्टिकी होनी चाहिए। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालते हैं, उसी मेजरिंग कप से आप इसमें पानी डाल लीजिए, क्योंकि हमें बहुत न पतली चाशनी चाहिए न गाढ़ी चाशनी चाहिए, इतना पानी बिल्कुल ठीक है। और अगर मान लीजिए आपकी चाशनी पतली होगी तो थोड़ी शक्कर ऐड कर दीजिएगा, और गाढ़ी होगी तो थोड़ा पानी ऐड कर दीजिएगा, नॉट एन इश्यू, बिना डर के बनाइए और बहुत अच्छी बनेगी आपकी गुलाब जामुन। अब हम शीरा जब तक पक रहा है हम अपना गुलाब जामुन का डो तैयार कर लेते हैं। आपको पता है गुलाब जामुन का जो प्रीमिक्स अक्सर आपका खराब हो जाता है, फट जाता है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इस वजह से आती है कि इसको आप लोग बहुत डो की तरह गूंदते हैं। गुलाब जामुन का प्रीमिक्स कभी बहुत गूंदा नहीं जाता। देखिए हम इसे मिल्क से बना रहे हैं इसका डो, इससे टेस्ट और अच्छा आता है। तो इसको अच्छे से हम मिल्क डालते हैं और मिक्स कर लेते हैं। देखिए गाइस, ऑलमोस्ट डो ही कंसिस्टेंट में आ गया है। तो आपको क्या करना है कि इसका सॉफ्ट डो लगाना है, बहुत हार्ड नहीं चाहिए। तो हम थोड़ा सा मिल्क और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस आपको मिक्स करना, सब कुछ अच्छा सा सैम्पल हो जाए, कि अच्छे से बॉल बन जाए हमारी। तो बस अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। देखिए हमारा डो ऑलमोस्ट डन हो गया, इसको थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। अब तो चाशनी चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा शीरा ऑलमोस्ट डन हो गया है, ऐसे तार बार वाली चाशनी नहीं, थोड़ा चिपचिप सा होना चाहिए, बहुत गाढ़ी हो जाएगी तो फिर वो आपके गुलाब जामुन के अंदर सोख नहीं होगी। तो हमारी चाशनी लग रहा है बिल्कुल डन हो गई है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और गुलाब जामुन अपनी फ्राई करते हैं। अपना ये ऑयल रख देते हैं गर्म होने के लिए। ऑयल में श्योर करिएगा फ्लेवरलेस ऑयल हो आपका, कोई भी राइस ब्रांड ऑयल, और उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दीजिएगा तो उसमें घी का फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा एक चीज और आपको बता देते हैं कि गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए आपको हैवी बॉटम कढ़ाई या पैन चाहिए होता है, क्योंकि गुलाब जामुन बहुत जल्दी जलने लगती है और अंदर से कच्ची रह जाती है, इसलिए आपको हैवी बॉटम कढ़ाई चाहिए। इसलिए हमने ये आयरन कढ़ाई यूज की। अब ऑयल गर्म होने का वेट करते हैं, जब तक हम अपनी बॉल्स बना लेते हैं। देखिए गुलाब जामुन का एक पोर्शन ले लेंगे और इसको ऐसे हल्का सा प्रेस करते हुए तो चिकनी सी बॉल्स भी बना लीजिए। बॉल बनाने के बाद इसमें हल्का सा गैप करिए, और गैप करने के बाद ये खोए का एक टुकड़ा ले लीजिए, क्योंकि इसमें शक्कर डिस्टर्ब है, इतना ही डालिएगा जितना आप आसानी से हैंडल कर सकें। बहुत ज़्यादा स्टफ कर देंगे तो फिर बनाने में फटने का डर रहता है ना, तो आप इतना ही भरिएगा जितना आपसे ईजिली हैंडल हो सके। अब इसको अच्छा सा शेप दे लेंगे हम, मेक श्योर करिएगा क्रैक कहीं ना हो, अगर क्रैक होगा तो फ्राई करने में फट जाएंगे। तो देखिए ये क्रैक की बॉल बन गई हमारी, और आपको बना के दिखा देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो ये देखिए इसको अच्छा से प्रेस करके दबाते हुए बॉल से बना लीजिए फ्लैट बॉल, और इसके अंदर थोड़ा सा आप बोल जैसा बना लीजिए, कैविटी कर लीजिए, गैप बना लीजिए, और फिर इसमें डाल दें हमारे मावा। अच्छा खोया नहीं डालिएगा, जितना इजीली हैंडल हो सके, बार बता रहे हैं, अदरवाइज अगर क्रैक हुई आपकी गुलाब जामुन तो सारा बिखर जाएगी।
तो इसके बंद कर लेते हैं अच्छे से। देखिएगा हमने बॉल्स बना ली, अभी पूरी नहीं बनाई है, थोड़ी सी बना ली। अब चेक करते हैं हम इनको कि अच्छे से फ्राई हो रही है कि नहीं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, पहले सिर्फ एक ही बॉल डालते हैं और ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। आई थिंक हमारा ऑयल ठीक ठाक गर्म है, तो हम अब इसमें और बॉल्स डाल देते हैं और दुआ करते हैं बॉल्स खुले नहीं, क्योंकि खुल जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। एक साथ बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड मत करिएगा, जितनी आसानी से आ जाए, क्योंकि हमने ऑयल ठीक ठाक लिया है, इसलिए जितनी आसानी से आ जाती है डाल देते हैं। चलिए बस करते हैं, आई थिंक एक और जा सकती है बस। गाइस हम अपने ऑयल में ऐड कर दिए सारे गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन को आप बहुत ज्यादा ना हिलाइए, ऑयल हिलाइए, ऑयल के थ्रू गुलाब जामुन अपने आप हिलेगी। इसे हल्के हल्के घुमाते हुए चारों तरफ से हम फ्राई कर लेते हैं और ऑयल मेक श्योर करेंगे बहुत हाई फ्लेम ना हो, मीडियम हो, शुरू में मीडियम हो, बाद में हम लो करेंगे इसको। अच्छे से घुमा घुमा के फ्राई कर लीजिए और कलर आपके ऊपर है कि आपको कितना लाइट है कितना डार्क चाहिए। बस अगर ये फटे नहीं तो बहुत ज्यादा छिड़िएगा नहीं, ऑयल हिलाते रहिए क्योंकि चम्मच लगती है फटने लगती है, बहुत डेलिकेट रहती है। हमें चाहिए थोड़ा सा ब्लैकिश से थोड़ा सा कम डार्क ब्राउन, फिर स्लो रखिएगा, स्लो यानी मीडियम, एकदम स्लो भी ना रहे और हाई भी ना रहे। निकाल लेते हैं और शीरे में डालने के बाद एटलीस्ट इसे एक घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि अच्छे से शीरा पी ले। एक बार ये शीरा पी ले फिर आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं। गाइस हमारी खूबसूरत रसीली रस भरी गुलाब जामुन बनकर बिल्कुल तैयार है, देखने में लग रही है कितनी टेम्पटिंग है। तो गाइस हम आपको एक कट करके भी दिखा देते हैं। देखिए गाइस, आई होप कि आपको दिख रही होगी कि अंदर तक ही पूरा शीरा जा चुका है इसके। तो हम तो जा रहे हैं खाने गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जाएं बनाएं खाएं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड लाइक देने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। अल्लाह हाफिज़।